आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में, कैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे स्टॉक को अपन बाई सेल करते हैं और कैसे डीमैट अकाउंट खोला जाता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं जिस ट्रेडिंग ऐप का या जिस ट्रेडिंग वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है SBI स्मार्ट। मैंने ये SBI के थ्रू खुलवाया है। अगर आप भी ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक बैंक अकाउंट, जिस अकाउंट से आप अपना डीमैट अकाउंट लिंक करवा सकें। डीमैट अकाउंट, ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा डालेंगे और वो फिर डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, फिर उससे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए चाहिए आपको एक बैंक अकाउंट जिसमें इंटरनेट बैंकिंग की अगर सुविधा हो तो ये बहुत बेस्ट है। उसके लिए फिर आपको और चाहिए आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, तो ईमेल आईडी चाहिए क्योंकि उसमें हर एक चीज़ जो है आपकी वो ईमेल आईडी में आ जाएगी। और बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा और उसमें बैंक स्टेटमेंट में जो है करंट ऐसा दिखना चाहिए कि वो आप उस बैंक अकाउंट को रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो आप जिस भी ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे मैंने SBI कैप सिक्योरिटीज से कर रहा हूँ, आप उसमें उसकी वेबसाइट में या उसके ऐप में जाके लॉग इन कीजिए और डीमैट अकाउंट के लिए फिर आप उसे डीमैट अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाएगा उनके पास और वो कॉन्टैक्ट करते हैं। मुझे भी SBI से ही कॉल आया था, फिर मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स लेके गया और फिर सारा काम हो गया। और विद इन 1 से 2 वीक का टाइम लगता है, उसके बाद हर चीज़ मेरे मेल पे आ गया और फिर मैं ट्रेडिंग शुरू कर दिया। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग में बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे आपने, जैसे वॉरेन बफेट, वो दुनिया के एक टाइम के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी थे, तो उनका जो मेन काम था वो ट्रेडिंग ही था। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आपका आईडी पासवर्ड आ जाता है, उसके बाद ये वेबसाइट खोल के आप इस पे ट्रेड लॉग इन पे क्लिक करें। ट्रेड लॉग इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अब जैसे ही ट्रेड लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका आईडी पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो ये मेरा पहले से खुला हुआ था तो इसीलिए ये खुला हुआ है। ये विंडो अब आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो है डैशबोर्ड, ट्रेड, मार्केट्स, पोर्टफोलियो रिसर्च एंड कस्टमर सर्विस। ये लिमिट्स बताता है कि आपकी क्या लिमिट है, आप कहाँ तक, कितने अमाउंट तक ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4192.76 दिख रहा है, मतलब आप मैं जो है 4192 रुपये तक ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, और ये नीचे आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में इक्विटी और इसमें डिफॉल्ट वॉच लिस्ट में आपको निफ्टी दिखा रहा है। निफ्टी में टॉप की 50 कंपनीज होती हैं, उनके शेयर्स होते हैं। ठीक है, और ये निफ्टी को अगर आप कुछ और आपकी फेवरेट कंपनीज हैं तो उनको ग्रुप करके एक अपना वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मैनेज वॉच लिस्ट में जाके आप अपना एक वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप जितने भी आपकी फेवरेट कंपनीज हैं, 5 या 10 कंपनी, उनके नाम आप डाल सकते हैं अगर आप इतने कंपनियों के नाम सामने नहीं देखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब ये तो विंडो आ गया। अब फंड कैसे ट्रांसफर करें, कैसे हम फंड को इसमें डालें या इसका फंड हम अपने बैंक अकाउंट में डालें। ये जो दिख रहा है मैनेज फंड्स जो लिमिट के बगल में है, मैनेज फंड्स में जाके आप क्लिक करें। आप जैसे ही मैनेज फंड्स क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, फंड लीन, फंड ट्रांसफर, फंड अनलीन, फंड विड्रॉल, पे इन लीन रिपोर्ट। तो आपको जब भी अपने बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा तो आप फंड लीन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप फंड लीन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ये विंडो आ जाएगा। फिर इसमें आपको अमाउंट डालना होगा। मान लीजिए मुझे 10 रुपये ट्रांसफर करना है तो मैंने 10 रुपये डाला, और फिर अमाउंट डालने के बाद जैसे ही आप लीन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट। फिर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से इसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
और अगर तो अब हम देखते हैं कि अनलीन कैसे करना है। ये लिमिट्स के पास जो मैनेज फंड्स दिख रहा है आपको, ये मैनेज फंड्स में क्लिक करना है और उसके बाद ये ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो आपको जब पैसा डीमैट अकाउंट से ट्रांसफर करना है अपने बैंक अकाउंट में, तो आप ये क्लिक करेंगे फंड अनलीन। फंड अनलीन करते ही आपका ये विंडो खुल जाएगा, जिसमें आपको जितना भी अमाउंट अनलीन करना होगा, सपोज 100 रुपीज, तो आप इसमें 100 रुपीज डाल के अनलीन में क्लिक कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि आपको शेयर्स खरीदना और बेचना कैसे है। जैसे मान लीजिए हमको ये कोल इंडिया का शेयर खरीदना है, तो इसमें आपको तीन चीजें, सर्कल में तीन चीजें दिख रही हैं, एक है बी, एक है एस और क्यू, क्यू फॉर कोट। तो बी मतलब होता है बाई, एस मतलब सेल और क्यू मतलब कोट। अगर आपको बाई करना है तो आप बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करने के बाद ये आपका आ जाएगा। इसमें आपको शेयर्स के प्राइस दिख रहे हैं। डिलीवरी मतलब होता है कि अगर आप किसी शेयर को एक दिन से ज्यादा के लिए रखना चाहते हैं, चाहे वो 1 साल हो, 10 साल हो या फिर 1 महीना हो, तो आप डिलीवरी में शेयर ट्रेडिंग करेंगे। और अगर आपको उसी दिन शेयर उसी दिन खरीद के उसी दिन आपको सेल करना है, तो आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं डिलीवरी में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लिमिट, अगर आप चाहते हैं कि 149 की जगह आपकी जो शेयर्स हैं वो 150 में बाई हो या 160 में बाई हो, तो यहाँ पे आप प्राइस लिख सकते हैं जो आपका डिजायर्ड लिमिट है। और या फिर आप चाहते हैं कि जितना मार्केट प्राइस है उसी में बाई हो, तो आप मार्केट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही मार्केट सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे ये प्राइस का जो कॉलम है वो गायब हो चुका है। तो हम लिमिट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी अमाउंट हमने डाला, मान लीजिए 150 डाला, क्वांटिटी मान लीजिए 2 शेयर खरीदने, हमें 2 डाला, 2 डाल के फिर आप सीधा बाई पे क्लिक करें। अब जैसे ही बाई पे क्लिक करेंगे तो ये बाई हो जाएगा। ये कैंसिल कर देता हूं मैं अभी, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये बाई पे क्लिक करने पे ही बाई हो जाएगा। अब सपोज आपको सेल करना है, सपोज आपको सेल करना है, मेरे पास जो पहले के कुछ शेयर्स हैं वो मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ से भी बाई और सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये जो विंडो दिख रहा है टॉप में, वहां से आप बाई और सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बाई और सेम थिंग है, बस आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट के जो भी कंपनी आप चूज करेंगे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैंने टाटा मोटर्स सेलेक्ट किया, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स। अगर मुझे टाटा मोटर्स में सेल करना है तो सेल को सेलेक्ट किया, डिलीवरी लिमिट प्राइस, अगर आप प्राइस देना चाहते हैं, किसी एक प्राइस पे सेल करना चाहते हैं तो प्राइस दे सकते हैं, वरना अगर आप मार्केट प्राइस पे सेल कर देते हैं तो मार्केट चूज कीजिए, देन क्वांटिटी, क्वांटिटी फॉर सेल, देन आप सेल बटन प्रेस कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका बाई और सेल हो गया। अब आपने जो भी स्टॉक्स खरीदे हैं तो उसे देखना होगा या मॉनिटर करना होगा, टाइम टू टाइम कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो वो देखने के लिए आप सीधा आप अपने पोर्टफोलियो पे जाएं, पोर्टफोलियो पे क्लिक करें, तो इससे आपको पता चल जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड, करंट वैल्यू, गेन्स, गेन लॉस, तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे 8.3। तो अगर आपको और डिटेल्स में अपने स्टॉक मार्केट को या आपने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं वो मॉनिटर करना है, तो सबसे बॉटम में चले जाइए,
सबसे बॉटम में जहां ब्लैक कलर की पूरी ये दिखेगी, वहां पे आप सेलेक्ट कीजिए बैंक ऑफिस, सॉरी बैक ऑफिस। बैक ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास बैक ऑफिस के ऑप्शंस। इसमें आप सेलेक्ट कीजिए डीमैट रिपोर्ट एसएसएल डीपी व्यू। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे जैसे ही एसएसएल डीपी व्यू, ये आपका खुल जाएगा, ये विंडो खुल जाएगा। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे पोर्टफोलियो होल्डिंग। पोर्टफोलियो होल्डिंग में ये इक्विटी करंट होल्डिंग आप सीधा व्यू सेलेक्ट करेंगे।